लाइज ऑफ पी। आज तक ना कोई भी गेम एक बार कंप्लीट करने के बाद मैंने उसको दूसरी बार कंप्लीट करने का सोचा भी नहीं, और लाइज ऑफ पी को मैं 2 बार 100% कंप्लीट कर चुका। लाइज ऑफ पी का ना रिव्यू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी उसकी स्टोरी का एक ओवरव्यू दे देता हूँ, बिल्कुल भी स्पॉयलर मत दूंगा, बेफिक्र। सो लाइज ऑफ पी की स्टोरी स्टार्ट होती है एक फिक्शनल सिटीज है जिसका नाम होता है होटल क्रेट, जो कि एक बहुत ही पुअर और एक मीडियोकर सिटी होती है। बट फिर उसमें ना कुछ एल्कमिस्ट आते हैं, और वो एल्कमिस्ट आके एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक सोर्स ऑफ एनर्जी फाइंड करते हैं जिसका नाम होता है अर्गो। फिर वो उस अर्गो से बहुत ज़्यादा एक रोबोटिक पपिट्स बनाते हैं बहुत सारे, वो ह्यूमंस को बहुत हेल्प करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। और देखते ही देखते जो सिटी क्रेट बहुत ज़्यादा पुअर और मीडियोकर हुआ करती थी, वो बहुत ज़्यादा रिच और हाईटेक हो जाती है बिकॉज ऑफ दोज पपिट्स, क्योंकि वो हर एक काम कर रहे होते हैं और एक लग्जीरियस एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं ह्यूमंस को। बट पता नहीं फिर क्या होता है, एक दिन वो सारे पपेट्स ह्यूमंस के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं और सब ह्यूमंस को मारना चालू कर देते हैं। इसी बीच एक डिजीज भी फैल रही होती है, जिस डिजीज का नाम था पेट्रीफिकेशन डिजीज। इस डिजीज में जो ह्यूमंस थे ना वो मॉन्स्टर्स या फिर एलियंस में बदल रहे थे। अब वो कैसे बदल रहे थे, क्यों बदल रहे थे, कौन था इन सब के पीछे, वो आप खुद गेम खेल के फिगर आउट करना। फिर क्या होता है ना, इसमें एक पी नाम का रोबोट होता है जो कि एक जिसे जपेटो ने बनाया था। जपेटो कौन था, जपेटो ने ही सारे रोबोट्स बनाए थे और उसी ने पी को बनाया था। ये पी कौन है, कि जो आपने ना बहुत पहले एक कार्टून आता था एडवेंचर ऑफ पिनोकियो, जो कि एक पपेट था वो अगर झूठ बोलता था तो उसकी नोज बड़ी हो जाती, ये वही पी है। सो ये अपने आप जग जाता है, इसको जगाया था सोफिया ने। अब सोफिया कौन है, अगेन गेम खेल के फिगर आउट करना। ये जग जाता है और फिर ये सारे पपेट्स को मारना चालू कर देता है, ह्यूमंस को बचाता है, पेट्रिफिकेशन डिजीज से फाइट करता है, और जो इसका मेन विलन है उससे फाइट करता है। मेन विलन कौन है, कैसे फैलती हैं चीज़ें, क्या होता है, सब कुछ गेम खेल के फिगर आउट करना। सो ये था लाइज ऑफ पी की स्टोरी का ओवरव्यू। अब बात करते हैं लाइज ऑफ पी के गेम प्ले के बारे में। सो लाइज ऑफ पी ना एक सोल्स लाइक गेम है, और सोल्स लाइक गेम में क्या होता है, बड़े बड़े बॉसेस, डंजन फाइट्स और परफेक्ट पैरी डॉज। बात करें बॉसेस की तो बॉसेस में इन लोगों ने लेजेंड बहुत क्रिएटिविटी यूज करी है यार। एक हर एक बॉस एक दूसरे से बढ़ के ही है, मुझे हर एक बॉस बहुत ज़्यादा पसंद आया, और हर बॉस को मारने के बाद जो डोपामिन हिट करता है भाई, मुझे उससे प्यार हो चुका है। लाइज ऑफ पी में ना आपको बहुत सारे कॉम्बैट ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आप जैसी गेम स्टार्ट करते हो तो आपको 3 बिल्ड में से कोई भी एक बिल्ड चूज करना पड़ता है, जो कि बिल्ड हैं मोटिविटी, एडवांस्ड और टेक्निक। मोटिविटी जो बिल्ड है ना, मोटिविटी बिल्ड में हैवी वेपन्स होते हैं, स्लो वेपन्स होते हैं, बट डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। एडवांस्ड जो बिल्ड है क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट्स से इन्फ्लिक्टेड होता है। हर वेपन का एक अपना एक खुद का एलिमेंट होता है और उसका एडिशनल डैमेज पड़ता है। ये वेपन ना ही स्लो होते हैं ना फास्ट होते हैं, और डैमेज भी मीडियम मीडियम होता है। फिर आता है टेक्निक बिल्ड। टेक्निक बिल्ड के जो वेपन्स होते हैं वो फास्ट होते हैं और डैमेज इनका कम होता है। मैंने टेक्निक बिल्ड पर्सनली कम खेला है, मैंने एडवांस्ड और मोटिविटी खेला है, जिसमें से मोटिविटी सबसे ज़्यादा फन बिल्ड है। और इसमें ना लीजन आर्म का भी ऑप्शन है। लीजन आर्म क्या होते हैं ना, लीजन आर्म आपका जो लेफ्ट वाला हैंड है ना वो चेंज कर सकते हो आप, और उसमें अलग अलग टाइप के आर्म्स लगा सकते हो, जैसे कि फायर वाला होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी वाला होता है, एक पपेट स्टिंगर होता है, ऐसे 6-7 टाइप के हैं और सबका अलग अलग काम होता है, वो बहुत ज़्यादा फन चीज़ है वो। गेम प्ले में ना एक लास्ट टॉपिक के ऊपर और बात कर लेते हैं, वो है डिफ़िकल्टी। गेम की जो डिफ़िकल्टी सेटिंग है आप उनको नहीं चेंज कर सकते, सेम रहती है, और डिफ़िकल्टी को मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा और मीडियम भी नहीं बोलूँगा, मीडियम से और ज़्यादा के बीच में ही कुछ है। ये इतना भी नहीं है कि आप गेम क्विट करने का सोचो, आप गेम को एंजॉय करते हो, मरते हो आप ज़्यादा बार, लेकिन ज़्यादातर बॉस को आप 5-6 डेथ में कंप्लीट कर लोगे। अब बात कर लेते हैं ग्राफिक और साउंड्स की। सो लाइज ऑफ पी का जो वर्ल्ड है ना वो बहुत ज़्यादा जिंदा फील होता है यार। ये एक सोल्स लाइक गेम है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वर्ल्ड सिर्फ डार्क 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 है। डार्क है वर्ल्ड पर क्लासी है, क्योंकि इसके अंदर ना डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं, और डिटेल्स की वजह से ना हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। वर्ल्ड अलाइव है,
मरा हुआ नहीं है, डेड नहीं है कि बस चीज़ें कहीं भी पड़ी हुई हैं। ना तो इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और ना ही चीज़ें बहुत कम हैं। एक परफेक्ट वर्ल्ड है और मुझे तो ग्राफिक में कोई भी कमी नहीं लगी, परफेक्ट ग्राफिक लगे। मुझे पर्सनली ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा पसंद आए और ग्राफिक के साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, खासकर जो इसके साउंड ट्रैक्स हैं, यार तुम्हें इसके साउंड ट्रैक से प्यार हो जाएगा। इसका एक साउंड है फील ऑल राइट, फील ऑल राइट करके इसका ये एक साउंड ट्रैक है। वो साउंड इतना प्यारा है कि मैं उसको गेम के बाद रेगुलर लाइफ में बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। इतना प्यारा म्यूजिक लगता है मुझे वो। एट लास्ट मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, लाइज ऑफ पी एक ऐसा मास्टरपीस है जो आपको नहीं मिस करना चाहिए। अगर आपने लाइज ऑफ पी अभी तक नहीं खेला तो सच में मेरी बात मानो, तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया। ये बहुत प्यारा गेम है और अगर तुमने आज तक कोई सोल्स लाइक गेम नहीं खेला तो इसको अपना पहला सोल्स लाइक गेम बनाओ। मेरा ये पहला सोल्स लाइक गेम था और मुझे सोल्स लाइक गेम से प्यार हो चुका है। आई एम इन लव विद सोल्स लाइक गेम। मैं और भी सोल्स लाइक गेम खेलूंगा अब इसकी वजह से। और अगर तुम लोगों को नहीं पता कि ये गेम तुम्हें कहाँ से खेलना है, तो उसको खेलने का सबसे बेस्ट तरीका है एक्सबॉक्स गेम पास। एक्सबॉक्स गेम पास पे ये गेम फ्री है, तुम वहाँ से जाके इसको खेल सकते हो। मतलब तुम्हें एक्सबॉक्स गेम पास लेना पड़ेगा, वहाँ से वो फ्री है। सो एक्सबॉक्स गेम पास तुम्हें अप्रॉक्स 411 का पड़ जाएगा और अगर तुम न्यू आउटलुक की आईडी बना के खेलते हो तो तुम्हें 60 रुपीज़ में मिल जाएगा 15 डेज के लिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी वीडियो में कमी लगी हो, कुछ भी मुझे सजेस्ट करना हो, कमेंट में तुम लिख सकते हो। बाय बाय, हैव फन।